हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे, और जो खाना मेहमान के साथ खाया जाए उसका हिसाब भी नहीं होगा। सारी जिंदगी ये उनका मामूल रहा है। एक दिन भूख लगी, घर वालों को खाना पकाने का कहा और खुद मेहमान ढूंढने निकले। एक शख्स को जो कि बूढ़ा था ले आए, दस्तरखान पे बिठाया, खाना जब लग गया तो उसको कहा अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। उसने कहा मैं तो अल्लाह को नहीं मानता। आपने फरमाया कि मैं तेरे से कोई रब्त रिश्ता और ताल्लुक नहीं रखता, अल्लाह ही के नाम पे तुझे खिला रहा हूं, तो मेरे रब का नाम तुझे कम अज कम लेना चाहिए। उसने कहा मैं तो बुतों का पुजारी हूं और रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले जब तू इतना गैरतमंद है कि मेरे रब का नाम नहीं लेता और अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता, तो फिर मेरा भी तो क्या लगता है, अगर मेरे रब को नहीं मानता तो मैं तो खाना उस रब के नाम पे खिलाऊंगा, खाता है तो ठीक, नहीं तो तेरी मर्जी। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से उठ के चलता बना, वो गया तो जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, सलाम दिया, संदेशा सुनाया। रब कहता है मेरे खलील तूने मेरा एक बंदा नाराज कर दिया, या अल्लाह वो तेरा बंदा था, वो तो तेरा नाम लेना गवारा नहीं करता था और तू फरमा रहा है कि वो मेरा बंदा था। इरशाद हुआ इब्राहिम बताओ उसकी उम्र कितनी होगी, या अल्लाह 80 साल के करीब होगी। कहा इतना अरसा हो गया ना मैं उसको रिज़्क दे रहा हूं, तुम एक दिन नहीं खिला सके। अब हजरत इब्राहिम उसको ढूंढ रहे हैं, वो दूर पहाड़ पे जा चुका है, उसके करीब पहुंचे, कहा मियां खाना ठंडा हो रहा है जल्दी आओ। उसने कहा एक शर्त है, तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। कहा ना लेना आओ। तो कहने लगा लहजे में इतना गदाज इतनी नरमी कैसे आ गई, तुम तो कहते थे रब के नाम के अलावा खिलाऊंगा नहीं। कहा कि उसी रब का ही तो पैगाम आया है कि मैं भी इसको दे रहा हूं। उसने कहा अगर तेरा रब इतना अच्छा है तो खाना बाद में खाएंगे, पहले उसका गुलाम बना ले मुझको। तो वो रब है सबका, हमारा हक है कि हम उसकी पूजा करें। तो अल्लाह ताला जल्ला शानु ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। एक तो वो तुम्हारा रब है और फिर अल्लज़ी खलक़कुम, उसने तुम्हें पैदा भी किया। तवज्जो चाहूंगा कितनी शान है कि उसने तख्लीक भी किया और फिर उसने तुम्हारी तरबियत भी की। जो तख्लीक भी करे और तुम्हारी तरबियत भी करे, क्या उसका हक नहीं है कि उसके हुजूर सजदा रेजियां की जाएं? सारी जिंदगी इंसान मां की खिदमत करता रहे तो बताओ मां की खिदमतों का बदला दे सकता है, मां के प्यार का सिला दे सकता है? तो इंसान जितनी मर्जी खिदमत करके मां बाप को राजी करने की कोशिश करे वो तो राजी होते हैं, बल्कि नालायक औलाद के लिए मां बाप की दुआएं और ज्यादा होती हैं। तो इंसान उनकी खिदमत का हक नहीं दे सकता। मां बाप के इतने हक क्यों हैं? इसलिए कि मां ने बेटे को जन्म दिया, जिसने जन्म दिया है उसके इतने हक हैं, तो जिस रब ने खलक किया है उसके कितने हक होंगे, जिसने तख्लीक किया है दस्ते कुदरत से बनाया है तो फिर उसके कितने हक होंगे। तो मुझे बताइए उस शख्स से बड़ा बदबख्त कोई हो सकता है जो अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी नहीं करता? सुबह के वक्त चिड़िया भी अल्लाह का नाम ले रही होती, हशरातुल अर्ज़ भी रब का नाम पुकार रहे होते हैं, बिल्लों से सर निकालकर जानवर भी अल्लाह का नाम पुकार रहे होते हैं, और उस शख्स से बड़ा बदनसीब जमाने में कोई नहीं है कि जो अल्लाह की हुजूर झुकना नहीं जानता, जो अल्लाह की हुजूर जो है वो इबादत का सर नहीं रखता। वो रब है जो तुम्हें पैदा करने वाला है। मां के रहम के अंदर कौन नक्शो वंगार देने वाला है? किसने गोश्त के लोथड़े को बोलना सिखाया है? किसने चश्म खानों के अंदर रोशन चिराग रख दिए हैं? और किसने सर के अंदर एक नशीत और रोशन दिमाग रख दिया है? किसने हाथों को पकड़ने की कुव्वत दी और कानों को शनवाई की ताकत दी? और किसने जो है वो सूंघने की कुव्वत और कुव्वत शामा नाक के नथनों के अंदर रख दी? कौन है जो टांगों में जोर पैदा करता है? कौन है जिसने छाती को ताकत दी? कौन है जिसने इंसानियत को आसन तकवीम बनाया? इंसान क्या तेरा हक है कि मस्जिद के करीब से तो गुजर जाए और अल्लाह का नुमाइंदा पुकार रहा हो हैया अला सलाह हैया अल फलाह, आजा नेकी की तरफ आजा नमाज की तरफ, और तू जो है वो उसको सुनने के बावजूद गुजर जाए? ऐसा हो सकता है कि तू उसके हुजूर आए ना हाजिर ही ना हो? ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है? अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए।